आज वाले मैच में मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है लास्ट में, एंड उसी के अलावा इस वाले मैच में जो तबाही मचाई है देख के मजा आएगा। पूरी लोबी को खाली कर दिया घूम घूम के, एंड किल्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। कोनकर लोबी का गेम प्ले है, काफ़ी मजा आएगा। एंड आज मैं किसी टेम्पल पे लैंड नहीं कर रहा था, ओपन में लैंड कर रहा था अपनी बहुत पुरानी लोकेशन पे, जहाँ मैं शायद 4 से 5 महीने पहले लैंड करता था, जब मैं पहले रैंक पुशिंग स्टार्ट किया था। तो आज वाले मैच में मजा तो आपको बहुत आने वाला है। इस वाले मैच में होता क्या सीन है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लैंड करते हैं, अच्छी सी लूट करते हैं, एंड फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या किया हमने। अब पहले तो मैं घरों पे लैंड करने की सोचता हूँ, बट जैसे ही मैं देखता हूँ कि 2 बंदे पहले से लैंड कर चुके हैं, तीसरा अभी अभी लैंड किया है, एंड चौथा एक और लैंड करने वाला है, तो मैंने सोचा यहाँ पर भसड़ मच जाएगी, अगर गन ना मिली तो मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जाने वाला था, तभी एक बंदा जो लैंड करने वाला था वो ओपन में लैंड कर जाता है, क्योंकि उसको भी पता चल गया था लैंडिंग पहले ही गलत हो गई है उसकी। एंड जैसे ये लैंड करता है मैं इसे मार देता हूँ। अब इस बंदे ने ओपन में लैंडिंग क्यों की मैं आपको बताता हूँ। पहले से ही 2-3 बंदे लैंड कर चुके थे घर के अंदर, तो वो बंदा घर में जाता तो मरना तो तय था, वो सोचा ओपन में लैंड करके भागूंगा इधर से, मैंने देख लिया और मैंने इसे मार दिया। अब पीछे की तरफ तो भसड़ मच गई थी, आगे मेरे गाड़ी, पीछे मेरे गाड़ी, बीच में मैं, तो मैंने सोचा चलो इधर से निकलते एक अच्छी सी लोकेशन पे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अब गाड़ी लेके सीधा मैं टेंपल पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर आते ही मुझे पता चलता है शायद यहाँ पर कोई नहीं, तभी मेरे बिल्कुल सामने से गाड़ी निकलती है, थोड़ा सा बच गया मैं, अगर मेरे ऊपर चढ़ती तो मैं गया था। तभी बंदा आता है और मैं इसे डैमेज भी देता हूँ, ये स्लो कर लिया था गाड़ी को, एंड इसे लग रहा था शायद मैं मतलब अंदर जाऊँगा और इसे मारूंगा नहीं, तो ये स्लो करके देखने की कोशिश कर रहा था कि बंदा अगर आता है मारने तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं भी घुस जाऊँगा, बट मैंने इसे घुसने नहीं दिया। अब मॉन्स्टर वगैरह को मार देते हैं पहले। अब मॉन्स्टर वगैरह को मार के लूट वगैरह कर ली थी यहाँ पर मैंने, अब मुझे इधर से निकलना था, तो इधर से निकलते हैं बंदों की तलाश में। अब यहाँ पर मेरी किस्मत देखना, इधर से मैं निकल रहा था बंदों को ढूंढने के लिए, तभी मुझे यहाँ पर एक वाइट कपड़ों में बोट भागता हुआ दिखता है जिसे मैं मारता हूँ, तभी एक और वाइट कपड़ों में सामने की तरफ बोट दिखता है, दोनों को मैं मार देता हूँ। एंड भाई किस्मत देख रहे हो भाई साहब, किस्मत हो तो ऐसी हो। अब यहाँ पर से मैं निकल जाता हूँ, गोल गोल घूमने लग जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो बंदे मिलेंगे, पूरे मैप में गोल गोल घूमता रहता हूँ। अब पूरे मैप में मैं गोल गोल रानी तत्त पानी कर ही रहा था, तभी यहाँ पर मुझे गाड़ी दिखती है ओपन में, मैं सोचता हूँ कि चलो देखने की कोशिश करूँ, तभी मुझे ओपन में बंदा दिखता है। अब पहले मुझे लगा शायद बोट है ये, मुझे नहीं पता था भाई ये गाड़ी ओपन में रोक के ओपन में क्या कर रहा था, शायद ये भी किसी को मारने के लिए आया होगा, बट इस वाले बंदे ने यहाँ पर हक दिया, मुझे मार तो नहीं पाया, बट मैं इसे कैसे मारता हूँ वो देखो। अब यहाँ पर हग तो मैंने भी दिया था सही बताऊँ तो, उसने मुझे काफ़ी डैमेज दे दिया, उसकी रीलोड ना होती तो शायद वो मुझे मार देता, बट किसी तरीके से इस वाले बंदे को मारा, 4 किल अपने हो गए थे, हेल्थ लगाते हैं निकलते इधर से और बंदों की तलाश में। अब जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा मैं ड्रॉप का कितना लालची हूँ, तो यहाँ पर मैं सामने ड्रॉप देखता हूँ, पागलों की तरह ड्रॉप का पीछा करने लग जाता हूँ। अब ड्रॉप का पीछा करते करते मैं ड्रॉप तक तो पहुंच गया था, बट ड्रॉप था पानी के अंदर, अगर मैं पानी में जाता तो 99% चांस थे मैं मरता, या फिर मेरी बग्गी कोई फोड़ के निकल जाता और मैं पानी में ही फंस जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि नहीं, इस बार ड्रॉप रहने देते हैं, इधर से निकलते हैं, बंदों को मारते हैं, वहाँ से लूट करेंगे। अब यहाँ पर मैं बंदों की तलाश में घूम ही रहा था, लोबी बहुत जल्दी खाली हो गई थी, तभी एक हैकर बैन हो जाता है लाइव, एंड इस वाले मैच में शायद 2 से 3 हैकर लाइव बैन हुए थे, एंड इस लोबी में देखोगे अभी पहला जोन भी नहीं बना और यहाँ पर 35 बंदे बचे हैं, तो हैकर बहुत ज़्यादा थे, और अभी तो हैकरों ने भाई तबाही मचा रखी, इतने हैकर आते हैं क्या ही बताओ। अब आज शायद मुझे कोनकर मिल जाएगा, एंड मैंने रिकॉर्ड बनाया डेली 2 मैच खेल के कोनकर किया, भाई डेली सिर्फ 2 मैच खेलता हूँ मैं, आप मेरी आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जाके सर्च कर सकते हो, अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं बोल देता हूँ 5255286899, ये आईडी आप सर्च करोगे आप देख लेना कितने दिन से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ और मैंने कितने मैच खेले, 2 मैच या फिर 3 मैच, इससे ज़्यादा नहीं खेलता। तभी मुझे ओपन में बंदा भागता हुआ दिखता है, एंड ये बोट था, इस वाले बोट को मारने के बाद अपने 5 किल हो गए थे। मैं पूरी लोबी में बंदे ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था हैकर है या नहीं, आपके सामने है, मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, हर जगह जा जा के देख रहा हूँ, बंदे ही नहीं मिल रहे, बंदा मारे किसको। अब यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ बंदों की तलाश में, घूमता रहता हूँ, अब बंदे तो नहीं मिलते, बट मुझे एक ड्रॉप गिरता हुआ दिख जाता है जो कि ब्रिज के उस पार गिर रहा था। अब यहाँ पर मुझे था रिस्क, क्योंकि ब्रिज से निकल रहा हूँ, किसी ने तो कैम किया ही होगा, बट हैकर्स की वजह से ब्रिज पे कोई भी नहीं था। अब मैं आसानी से ड्रॉप तक तो पहुँच जाता हूँ, एंड उसके बाद क्या होता है वो देखो आप। अब ड्रॉप पे आने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉप ओपन करता हूँ, एंड इसके अंदर मिल जाती है मुझे टट्टी गन, जो कि मैं नहीं उठाता, अगर ये 8x के साथ होती तो शायद मैं उठाना प्रेफर भी करता, बट नहीं,
एटैक्स था ही नहीं, तो मैंने सोचा छोड़ो क्या करना है, अब ड्रॉप में तो कुछ मिला नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा चलो इधर से निकलते हैं, बंदे ढूंढते हैं। सही बताऊं तो बंदे ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गया था, मेरे गाड़ी का तेल भी खत्म हो गया, इस वजह से मैं गाड़ी का तेल ढूंढने के लिए इस वाले घर पे आता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे लकीली तेल मिल भी जाता है, गाड़ी में इतना तेल भी नहीं था कि मैं जोन में जा पाऊँ। तभी मैं, आदत है मेरी, आसपास देखता रहता हूँ, गोल गोल कैमरा घुमाता रहता हूँ। तभी मुझे छत पे एक बंदा दिखता है जिसके पास गिली सूट था। अब मैंने इसे देख लिया था, इसने मुझे देख लिया था, उसको नहीं पता था मैंने इसे देख लिया। अब क्या होता है कि मैं इसे दिखाने के लिए बिल्कुल यू टर्न लेता हूँ, बहुत लंबा वाला, और मैं उसको दिखाने के लिए लिया था ये, ताकि उसको लगे मैं जोन में निकल गया। एंड पीछे से जोन आ रहा था तो उसे भी जोन में निकलना था, उसे लगा कि जो बग्गी वाला वो निकल गया, बट मैं निकला नहीं था। घूम फिर के मैं उसी के सामने आ जाता हूँ, धीरे धीरे आगे जाता हूँ एंड भाई इसकी पेटी चमका देता हूँ। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद इसकी पेटी लूटते हैं, क्योंकि इसके पास गिली सूट था तो लूट भी अच्छी खासी होगी, तो इसकी पेटी लूटते हैं इधर से निकलते हैं। अब यहाँ पर मचने वाली है तबाही। अब मैं इधर से गाड़ी लेकर निकलता हूँ, मुझे ओपन में एक बंदा भागता हुआ दिखता है जिसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ, बट ये पागलों की तरह कूदने लग जाता है भाई। फिर मेरा मन नहीं करता इसे मारने का, मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो क्या पता अपना सब्सक्राइबर होगा। तभी मुझे सामने बंदा दिखा, बंदे को मैंने इजीली मार दिया। इस वाले बंदे को मारने के बाद पीछे वाला बंदा शायद मुझे मार सकता था, बट वो अपना सब्सक्राइबर था, कूद रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। अब ये वाला बंदा बाहर टीपीपी ले रहा था किसी के ऊपर, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर कोई बंदा होगा। मेरा मन नहीं मान रहा था मैं इधर से जाऊँ, क्योंकि मुझे किल भी चाहिए थे, इस वजह से मैं इधर की तरफ आता हूँ, सबसे पहले गड्ढे के अंदर जाता हूँ ताकि मुझे दो तीन तरफ से तो कवर मिले, उसके बाद मैं लेट के सबसे पहले रीलोड करता हूँ एंड दोबारा देखने के लिए जाता हूँ उसी घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर किस पे टीपीपी ले रहा था नो आइडिया, मुझे देखना था वहाँ पर और बंदे हैं या नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ इधर से। अब जैसे ही मैं घरों तक पहुंचता हूँ, मुझे हल्का सा चमकता है किसी का टकला, और टकले के ऊपर मैं चढ़ा देता हूँ, तभी मुझे पता चलता है यहाँ पर कोई लेटा हुआ था। अभी भी मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, क्योंकि वो टीपीपी दूसरे एंगल पे ले रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ एंड अंदर की साइड देखने की कोशिश करता हूँ कोई है तो नहीं। एंड जब मुझे कन्फर्म हो जाता है यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस बंदे की पेटी लूटता हूँ जिसमें काफ़ी अच्छी लूट थी, एंड 8 किल अपने हो गए थे। मैं इधर से लूट वगैरह करके निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था, तभी मुझे साउंड आता है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं देखता हूँ ये वही बंदा है जो कूद रहा था, एंड मैं इसे फिर नहीं मारता हूँ एंड इधर से निकल जाता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये दूसरा हैकर बैन हुआ है, एंड इस वाले मैच में 3 हैकर थे, अगर तीसरे का भी मुझे नोटिफिकेशन दिखेगा तो मैं तीसरे का भी डाल दूंगा भाई, 3 हैकर एक मैच में, और उस मैच में 8 किल तो मेरे ही हैं। तो हैकर भी सोच रहे होंगे भाई क्या है ये बंदा, कौन है जिसने 8 किल कर रखे हैं। भाई वो हैक करके बैन हो गए, मतलब उन्होंने किल कितने किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 किल ही होंगे उनके भी, है ना। एक हैकर ने 8-10 किल किए होंगे, दूसरे ने 8-10 किल किए होंगे। तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है लूटता हुआ, भाई किसकी पेटी लूट रहा था पता नहीं, बट अचानक से मुझे दिखा, मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, अब इसकी भी मैं पेटी लूटूंगा, इधर से निकलूंगा। एंड मुझे लग रहा है मेरे हैकरों से ज़्यादा किल होंगे, क्योंकि 3 हैकर थे, अगर तीनों का देखा जाए 10-10 किल तो उन्होंने किए ही होंगे, ठीक है 10 से ज़्यादा नहीं किए होंगे, क्योंकि 3 हैकर थे तो किल्स भी बटेंगे ना। एक हैकर अगर बहुत गंदा खेलता है तो उसके 20-22-25 किल होते हैं, और यहाँ पर तो 3 हैकर थे तो उनको किल्स तो बट के मिले होंगे, तो 3 हैकर का मिला के देखा जाए तो अगर उन्होंने 10-10 किल भी किए होंगे तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 किल हैकर के हो गए, और 11 से 12 किल मेरे होते हैं, तो 40 से 50 किल तो हमने ही कर दिए, बाकी बंदे क्या मुंह देखने आए थे, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किल किए होंगे। अब यहाँ पर मैं गोल गोल घूम रहा था, जोन काफ़ी छोटा हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं सोचता हूँ चलो यहीं पर होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर मैं आराम से लेटा हुआ था, तभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है। अब उस बंदे के पास स्नाइपर थी जैसी मुझे पता चलता है, पहले तो वो ऑटो स्प्रे करता है ताकि मैं उसे अच्छे से पीक दूं, एंड जैसे ही मैं पीक दूंगा वो मुझे मार देगा। अब जैसे ही मेरे पे स्नाइपर चलाता है, मैं समझ गया था अगर मैंने इसे पीक दी तो मेरी चटनी बन जाएगी, इस वजह से यहाँ पर मैं इस वाले बंदे से फाइट नहीं करता हूँ, अगला जोन बनने का वेट करता हूँ, जैसी जोन बनता है जोन में निकलता है स्मोक वगैरह करके। अब जो नेक्स्ट जोन है वो 150 मीटर आगे बन गया था, स्मोक मैंने कर लिया था, वेट कर रहा था मैं, जैसी स्मोक खुल जाएगा मैं निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे ये डिसाइड करना था मैं जाऊँ कहाँ पर, एक तो ऐसी लोकेशन पे जोन बना था जहाँ पर मैं कभी आया ही नहीं, और मतलब यहाँ से काफ़ी बार गुजरा हूँ मैं आसपास वाली लोकेशन पे, बट इस वाले पहाड़ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। अब सामने मुझे बंदा दिखा, अब मैं पहले सोचता हूँ इससे फाइट करूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर।
एंड जैसे मैं देखता हूँ कि भाई वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया है, एंड अगर मैं उतरूंगा मुझे मौका नहीं मिलेगा फायर करने का, वो मुझे पहले ही भर देगा। तभी मुझे सामने की तरफ कोई भागता हुआ दिखता है जिसे मैंने देख लिया था, तो मैंने सोचा चलो इसे ही मारते हैं। तो मैं यहाँ से आता हूँ ऊपर की तरफ एंड देखने की कोशिश करता हूँ बंदा ये रहा। एक को मारा एंड पीछे वाले पे मशीन गन थी जो कि मेरी फेवरेट गन है। उस बंदे ने लगभग लगभग मुझे मार ही दिया था, बट किसी तरीके से मैंने संभाला। वो मेरे बग्गी पे फायर कर रहा था, उसे लगा मैं उठ के स्प्रे नहीं करूंगा, एंड भाई मैंने उठ के स्प्रे किया एंड मार दिया। मैंने पहले सोचा कि चलो इसकी मशीन गन उठाते हैं जाके, बट ये जोन के बाहर था तो मैंने रिस्क नहीं लिया। अब मेरे साथ स्कैम क्या होता है, शुरुआत में मैंने बोला था ना मेरे साथ स्कैम होता है, अभी देखना मेरे साथ बहुत गंदा वाला स्कैम होने वाला है। यहाँ पर आखिरी बंदा बचा है और मैं बचा हूँ। मैं आराम से लूट कर रहा हूँ, नेड़ वेड़ उठा रहा हूँ, स्मोक वगैरह उठा रहा हूँ ताकि मेरे काम आएंगे। अब मुझे जोन में जाना था, मैं जोन में निकल जाता हूं। होता क्या सीन है वो आपको सीन दिखाता हूं सीधा। अब किसी तरीके से भागते भागते मैं इधर की तरफ आता हूं। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं था कि एक ही बंदा बचा है। जब मेरा ध्यान जाता है कि बंदे कितने अलाइव हैं, तब मैं देखता हूं भाई साहब यहां तो सिर्फ एक ही बंदा बचा है। अब बस सामने की तरफ मुझे लग रहा था जहां पर बग्गी है वहीं बंदा होगा, एंड था भी वहीं पर। जैसे मुझे बंदा दिखता है ना, मैं घूम के उस पर पुश करता हूं, एंड भाई स्कैम यहीं पर होगा मेरे साथ। मुझे लगता है बंदा शायद उसी पत्थर के पीछे है, बट बंदा पता नहीं कहां से ऊपर से आके मेरे को एक हेडशॉट कनेक्ट करता है। होता क्या है आपको दिखाता हूं, रुको। अभी यहाँ पर देखना, हल्का सा बंदा दिखेगा मुझे, वो दिखा सामने। अब पहले मैंने सोचा यहीं से फायर करता हूँ, बट मैंने सोचा नहीं, यहाँ पर वो मुझे मार पाएगा क्योंकि मैं हाइट पे हूँ, एंड हाइट भी दूसरे वाली हाइट है, मतलब नॉर्मल हाइट नहीं है कि बिल्कुल नीचे ऊपर वाली, चढ़ाई वाली है, और ईजिली वो मार देगा। तो सबसे पहले मैं नेड़ ट्राई करता हूँ, बट मेरा जो नेड़ है वहाँ तक पहुँचता नहीं, एंड मेरे पास 10 नेड़ थे और मैंने इसीलिए 10 नेड़ उठाए थे कि भाई आखिरी वाले बंदे को भून दूंगा, और यहाँ पर मुझे कैसे भूना है वो देखना। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं कट नहीं करूँगा कुछ भी, आप देखो छोटी सी क्लिप है, 1-1.5 मिनट की होगी। अब मुझे लग रहा था पत्थर पे बंदा है, ठीक है ना, अभी आपको भी यही लगेगा, पूरी क्लिप देखोगे ना तो समझ में आएगा स्कैम क्या हुआ। 17 मीटर आगे मुझे जोन में जाना था, वो बंदा जोन में था, तो मैंने सोचा चलो पीछे से घूम के जाता हूँ, एंड मेरे पास हल्का हल्का कवर रहेगा। अभी हल्का सा हेड दिखा मुझे उसका, ठीक है, अभी भी वो वहीं पर है पेड़ के पास वाले पत्थर पे, ठीक है, अभी अभी हेड दिखा मुझे। अब मैं नीचे की तरफ आता हूँ, वो ऊपर कब पहुंचता है कैसे पहुंचता है नो आइडिया। देखो मैं यहां पर आया एंड यहां पर आके मैं करूंगा नेड, ठीक है ना, ये देखो ये मैंने पिन किया और मैं एक नेड करने की सोच रहा था, तभी मुझे समझ आता है कि वहां पर नेड जाएगा नहीं, और मैं सोच ही रहा था यहां पर मैं क्या करूं, तभी मैं यहां पर एक स्मोक करता हूं ताकि मैं आगे की तरफ जाऊं, और बंदा कहां ऊपर से मारता भाई, मुझे समझ में आया वो कैसे ऊपर गया भाई, यहां तो स्कैम ही हुआ है मेरे साथ। बट फिर भी 19 का प्लस हुआ इस वाले मैच में अपना, एंड जो अपनी रैंक है वो 800 के आसपास चल रही। आज मेरे को कौन कर मिल जाएगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा खेलूंगा एंड टॉप 500 के अंदर कर दूंगा रैंक को आज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।